नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके हैं कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ से निकला हुआ उस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट हाईकोर्ट का जो निकला है उसका पोस्ट आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन करने का क्या है प्रोसेस, कौन सा वेबसाइट में जाते हैं, आज स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं, 5/10/2023 को निकला था और लास्ट डेट है 31/10/2023 तक। इसमें है कि कोई भी चार्ज, मेल हो या फीमेल हो, कोई चार्ज नहीं लगता है। जिसका उम्र है 21 से 30 साल तक है, अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट SC/ST देखिए, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, टोटल 143 पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी से और 1 ईयर कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम ITI एनी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट। 1 ईयर का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे ITI हो, ये कोर्स होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले ऑनलाइन करने का सीखते हैं कि ऑनलाइन कैसे करते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपका पहला स्टेप होता है वेबसाइट जानना। तो इसका वेबसाइट है highcourt.cg.gov.in। जैसे आप गूगल में आप टाइप करेंगे तो आपका जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का होम पेज आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। जैसे आप ये पेज आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको RTI पोर्टल के बगल में आपको ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल आपको मिलेगा। उसके बाद आपको हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ रिक्वायरमेंट करके आएगा। उसके बाद आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर एक नया पेज खुल के आएगा। उसके बाद आपको जो घोषणा पत्र उसको पूरे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको क्लिक कर देना है और प्रोसेस टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा करके आपको जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप OTP पे डाल के जो वेरीफाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन का एक नया पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे मदर हस्बैंड जो भी है, फादर्स नेम, उसके बाद यहाँ से फादर का नाम लिखना है, ईमेल ID लिखना है। उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यस कीजिएगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशू डेट, कब आपने सर्टिफिकेट इशू डेट हो गया, उसके बाद कैटेगरी पूछा जाएगा। उसके बाद मेल, आपका डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिएगा। जैसे यस कीजिएगा कि आप रेगुलर रहेंगे, टेम्प्रोरी, उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ NOC मिला है कि नहीं उसको कर लीजिएगा, अगर नो है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर दिव्यांग है तो यस कीजिएगा। जैसे आप दिव्यांग पे यस करते हैं तो सर्टिफिकेट इशू डेट पूछा जाएगा, डिसेबिलिटी टाइप पूछा जाएगा कौन सा डिसेबिलिटी है, उसके बाद परसेंटेज पूछा जाएगा। वो करने के बाद आपको पूरा एड्रेस लिखना है कि ऐसा एड्रेस लिखना है कि प्रॉपर तरीका से आपका घर तक कोई डाकिया आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पहुंचा चाहिए, जैसे एट, पोस्ट, PS, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड पूरा के साथ। उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट सेम एड्रेस है तो आप सेम पे क्लिक करेंगे। जैसे सेम पे क्लिक करेंगे उसका डिस्ट्रिक्ट ये आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे। मैरिड अनमैरिड, अगर मैरिड है तो यस करेंगे, आना तो नो पे क्लिक कर देंगे। एक्सपीरियंस है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का एक नया पेज खुल के आएगा। उसके बाद हाई स्कूल कौन सा बोर्ड से किए हैं, पासिंग ईयर काम क्या है, आपका परसेंटेज क्या है, उसके बाद आपका टोटल मार्क कितना लाएं। जैसे आपका 500 का टोटल मार्क लाएं तो इतना कितना नंबर लाएं उसको यहाँ पे लिख देना है, इसका ऑटोमेटिक आपको परसेंटेज आ जाएगा। हायर क्वालिफिकेशन के लिए आपको फिर यहाँ से आपको बोर्ड लिखा जाएगा, पासिंग ईयर कब किए हैं और रिजल्ट में परसेंटेज CGPA जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो पे आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड लिखना है, पासिंग ईयर क्या है, उसके बाद रिजल्ट परसेंटेज में कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको टोटल मार्क कितना में लाए वो लिख दीजिएगा। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन को लिख लीजिएगा, टोटल इसको भर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका डिप्लोमा या कोई कोर्स किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको एग्जाम बोर्ड पूरा आपको डिटेल आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हिंदी इंग्लिश जो भी है उसको टाइपिंग को यस कर लेंगे। वो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेरी करेगा तो ये आपको यहाँ पे सभी पे आपको नो पे क्लिक कर देना है।
केस है चाहे अरेस्ट किया है, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको सभी को नो कर देना है। और नो करने के बाद आपको यहाँ पे बॉडी फिटनेस के लिए पूछेगा, तो इसको यस करके, बाकी अगर आपने शादी किया तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ये सभी भरने के बाद आपको पुनः सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद थंब प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन स्कूल सर्टिफिकेट, उसके बाद जो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका एनी अदर सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ से आपको जैसे कंप्यूटर DCA DCA जो भी कोर्स किए हैं ITI उसको यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो सबको यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। अगर आपको चेंजेज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप पुनः सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये देखने के बाद आपको पूरा डिटेल फोटो के साथ आपको ऊपर में आपको पूरा डिटेल भेज जाएगा। उसके बाद कोई अगर चेंजेज करना है तो एडिट पे करेंगे, नहीं तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट पे कर देना है, आपका फॉर्म भर के कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो असिस्टेंट का जो पोस्ट निकला है उसका आप ऑनलाइन इस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन अपने मोबाइल लैपटॉप जो भी है उसको कीजिए। धन्यवाद।